Dear students, good morning. Today I am going to teach you lesson number 4, the fire that would not burn. वो आग जो जली नहीं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था और आज मैं आप लोग को इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो बेटा क्वेश्चन आपको ब्लैक बुक से देके लिखना है और आंसर जो है आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो पहला है डिस्क्राइब द विंटर स्कीम आउटसाइड द पैलेस, महल के बाहर सर्दी का मौसम कैसा था। तो आप लिखेंगे द विंटर इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड आउटसाइड द पैलेस, द हिल वॉज कवर्ड विथ स्नो एंड इवन द फाउंटेन इन द पैलेस गार्डन फ्रोज। कि महल से बाहर क्या था, बहुत अधिक सर्दी थी एकदम और सब चीज़ जम गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है Give three reasons that the people felt were responsible for the fire going out. तीन ऐसे कारण लिखो जिससे पता लगे कि जो आग थी वो महल से बाहर क्यों चली गई थी, लोगों को ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। तो इसका आंसर नंबर 2 है The people gave varied reason for the fire going out. लोगों ने विभिन्न कारण दिए थे। नंबर 1 Some thought The palace fire needed a special kind of fuel to keep it burning. Number 2, others simply believed that the winter was too hot and cold to keep the fire burning. Number 3 hai, yet others said that the palace folks had been quarreling over matters of state.